देख रहे हो गाइस, रेड हो रखा है क्योंकि ये रात में जब मैं स्कूटर चला रहा था तो उस वक्त वाइजर डाउन नहीं कर सकता, तो ठंड से थोड़ा लाल हो गया, बट ठीक है, थोड़ी देर धूप में बैठूंगा तो ठीक हो जाएगा। मजा आ गया भाई। सो इट्स नॉट एज पीसफुल एज आई थॉट इट वुड बी ओवर हियर, बट स्टिल रात को रहने के लिए जगह मिल गया था, दैट वॉज इनफ। तो अगर भी थोड़ी देर बैठते हैं शांति से, थोड़ा सन विटामिन डी अब्जॉर्ब करते हैं ताकि थोड़ा चार्ज हो जाए। कल रात को जो ठंड लग रहा था, ओनली आई नो वॉट आई हैव बीन थ्रू लास्ट नाइट। और ये रहा अपना चीता भाई साहब, कल रात जो इसने साथ दिया ना, अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं वैसे सिचुएशन में, बट इसने जो साथ दिया है आई स्वेयर। तो इसको भी थोड़ा वॉशिंग वगैरह करवाना होगा, बहुत गंदा हो गया है। नो वरीज, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बागडोगरा। तो अभी पिछले व्लॉग में जो देखा था आप लोगों ने, मतलब पिछले दिन जो हुआ था उसका थोड़ा बहुत अपडेट देता हूँ। दैट वॉज कि समवेयर अराउंड 300 किलोमीटर्स वर लेफ्ट टू कम टू सिलीगुड़ी, ठीक है। और हम लोगों ने शाम होते ही होटल ढूंढना स्टार्ट कर दिया था, बट हम लोगों को होटल कहीं भी नहीं मिल रहा था, बी एट फरक्का, रायगंज, मालदा, कहीं भी हमें नहीं मिला। मालदा में हमें एक होटल मिल रहा था, बट दैट वॉज वे टू एक्सपेंसिव, समवेयर अराउंड 3000 फॉर वन डे। तो वो हम लोगों ने होटल नहीं लिया, और हम लोगों ने सोचा आगे हम लोगों को मिल जाएगा, बट वी वर रॉन्ग। फ़ोन का भी चार्ज ख़त्म, कैमरा का भी चार्ज ख़त्म, एक पावर बैंक था जिसके वजह से जो है मेरा फ़ोन और रोज़ का फ़ोन चार्ज हो गया, ठीक है। तो उसके वजह से हम लोग लोकेट करते करते गूगल मैप्स के थ्रू यहाँ पे आ गए। फॉर्चुनेटली यहाँ पे आते आते सिलीगुड़ी पहुँचते पहुँचते समवेयर अराउंड 8 और 9, ठीक है, हमें एक होटल मिल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक इन किया, स्टे किया। थैंकफुली जो ओनर है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था, बहुत ही अच्छा था, उन्होंने हमें अलाउ किया। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था ना, वो बोल रही थी कि ये रोड ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक रोड था, लंबा सा स्ट्रेच था और वो कंटिन्यू होता जा रहा था, प्लस इट वॉज पिच डार्क एट समवेयर अराउंड 7 और 8। तो ये रोने लग गई थी, बोल रही थी ये रोड ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। And thanks to the owner, I'm literally saying like he arrived like an angel. यहाँ से चेकआउट करेंगे 11 बजे। बिफोर दैट चार्ज कर ले रहा हूँ फोन, कैमरा और पावर बैंक भी, ठीक है। जाते वक्त मेरे को एक आईफोन का केबल खरीदना है, चार्जिंग केबल, ठीक है, और ख़रीदना है मेरे को मोबाइल होल्डर, क्योंकि कल मोबाइल होल्डर टूट गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, बार बार इस लड़की के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था डायरेक्शन के लिए। एक जगह तो इसने मिसगाइड भी कर दिया, हम लोग कहाँ ब्रिज के ऊपर चढ़ गए। मैं इसको बोल रहा हूँ हम लोग सही रास्ते में जा रहे हैं, हाँ हाँ हम लोग सही रास्ते में हैं, हम लोग सही रास्ते में हैं, बट फिर वही देखा, मैप्स चेक किया तो गलत रास्ता, ब्रिज पे चढ़ गया, ठीक है। तो इसने गलत गाइड किया, तो ये रिस्क दोबारा नहीं लेना है। बीच फ्लाईओवर से मैं यू टर्न लेके वापस आ रहा था, पूरा रास्ता तुम गाइड किया रात को, बट एक गलती से हो गया ना काम खराब, ठीक है। अरे उठ जाओ, चलो ब्रश कर लो फटाफट से, रेडी होते हैं, बैग्स पैक्ड ऑलरेडी, बस कुछ कुछ सामान निकालना है, कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, मैं तो चेंज नहीं करूँगा, ये गंदा है, ऐसे ही गंदा पहन के मैं जाऊँगा वहाँ पे होम स्टे पे, फिर कपड़े चेंज करूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा लाया नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कपड़े गंदे नहीं कर सकता, वरना बाद में मेरे को ही धोने पड़ेंगे। तो चलो, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं अभी के लिए, चलते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। पैक करके पूरा गियर अप करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकल गया, सो राइट नाउ इट्स 12 ऑलमोस्ट 12। और चलिए, थैंक यू सर, बाय बाय। सो दिस इज द ओनर जिनका ये होटल है, मैरीगोल्ड होटल। तो अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ,
यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग, ठीक है। अब दार्जिलिंग में कहाँ जा रहे हैं वो मैं नहीं बताने वाला, वो आप लोगों को व्लॉग देखकर पता चल जाएगा। बट यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दार्जिलिंग फॉर नाउ। अगर दार्जिलिंग देखा जाए समवेयर अराउंड 3 to 4 hours विथ ब्रेक 2 hours and 15 minutes यहाँ से दार्जिलिंग बागडोगरा से, और ब्रेक्स वगैरह लेके हम लोग को लगेगा ऑलमोस्ट 4 hours। तो अभी निकल रहे, शाम के 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर कल हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, यहाँ पे निकलने का टाइम था 11 बजे का, 12 बज गए, 1 घंटा लेट है। चलो, ऑलवेज लेट बट नो वरीज, यू विल डेफिनेटली मेक इट टू आवर डेस्टिनेशन बाई टूडे। ऑल गुड। थोड़ा सा पहना था, बैठ गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, वी आर नाउ गुड टू गो। यहाँ से कहाँ जाना है देखो, पहले देख लो ब्रिज है या नहीं है। चलो, हियर वी गो। बाय बाय मैरी गोल्ड होटल, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टे एंड फॉर योर सर्विस यस्टरडे। ब्रिज दिखा रहा है इधर ना, पता है कुछ दिखा नहीं होता, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ब्रिज से जाना पड़ेगा ना, इसीलिए तो बोला। सिलीगुड़ी जाते तो इधर से चला जाता, पर ये ब्रिज से दिखा रहा है, देखो वो बाथरूम जा रहा है ना। यो वी गो। यहाँ से फ्यूल अप करवा रहे, मतलब कर लिया है, और जेरिकेन में पेट्रोल नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ से दार्जिलिंग बस 100 किलोमीटर है, तो इनफ पेट्रोल है, चल जाएगा। क्या हुआ? तो चलो गाइज, अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, और होपफुली इस बार कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। भैया का शॉप था, यहीं से मिला है मोबाइल होल्डर, तो फॉर्चुनेटली अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगा रास्ते में ट्रैवल करते वक्त, ठीक है। सो यहाँ पे लगवा दिया मोबाइल होल्डर एंड एवरीथिंग इज गुड एंड वी आर सेट टू गो। तो चलो चलते, बाकी का जो जर्नी अपना कंप्लीट करते हैं फटाफट से। नाउ वी आर ऑल सॉर्टेड। अगर ये चीज पहले मिल जाता ना हम लोग को घर से ही, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो देख सकते हो, दिखा रहा है 1 hour and 56 minutes। सो अभी चलते हैं, थोड़ा सा राइड करते हैं, 2 बजे के करीब करीब लंच के लिए ही रुकेंगे क्योंकि इट्स नो पॉइंट स्टॉपिंग अगेन। आर ऑन रोलिंग रोड, ओके। और आई गेस सिलीगुड़ी हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और सामने हम लोगों को माउंटेन्स भी देखने को मिल रहा है। सीरियसली मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं मैप देखू या फिर मैं ऊपर व्यू देखू। ऑल राइट, सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं एक बहुत ही प्यारे से जगह पे। थोड़ा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, मतलब 10-15 मिनट का, क्योंकि स्कूटर बहुत गर्म हो चुका है, तब से चल रहा है, तो उसको भी ब्रेक देना ज़रूरी है। चलो लोकेशन रिवील करते हैं, 3, 2, 1, हियर इट इज। सो राइट नाउ वी आर एट कर्शंग। कैसा लग रहा है? व्हाई आर यू क्राइंग? अभी हम लोग आ चुके हैं एक हिल टॉप पे, तो मैं यहाँ से आप लोगों को लोकेशन दिखा देता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है मुझे। Here we go. And this is the view from top. 3, 2, 1. So हम लोग somewhere around 35 किलोमीटर्स कवर कर लिया अभी तक हम लोगों ने। यहाँ से और भी आगे जाना है 30 to 35 किलोमीटर्स, एंड देन उसके बाद जो है हमारा होटल या फिर होम स्टे है वो लोकेशन मिलेगा हम लोगों को। वो देखो, वो रास्ते से हम लोग आए पूरा ऐसे ऐसे। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो?
यो करशेंग हो करशेंग हाँ अब ये तो बड़ो 30-35 किलोमीटर फिर दार्जिलिंग आए रहा रूंदे थे इस तो हेरे रहा खुशी ले खुशी ले हाँ ते ही भन्दे थे उतर ले रहा गयो भने ता हगी दिन सा ला ला हुन्छा ते ही हेलो तन्मय वेयर यू फ्रॉम बांग्लादेश गुड टू नो एक्चुअली आई एम फ्रॉम कैलिंगपोंग बट या आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कोलकाता सो आई फील डिलाइटेड व्हेनेवर आई कम हियर टू द माउंटेन फील्स लाइक होम चलो थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर सब्सक्राइबिंग हाँ यही तो भाई टेंशन मत करो आप सब ठीक था मो इते हिट द शो सब ठीक था कोई टेंशन मत ली बोल नो आउन दे ना के बोल छ के बोल सके क्या खाना खानु भयो खाने पीने छैन भयो आइ जाबे छु ये मम्मी को भी दिखा दिया यहां का व्यू हाय हाय गरी दिनो हेलो मम्मी और भाई घर पे है तो उन लोगों को भी कॉल करके ये दिखा दिया व्यू ठीक है तो चल लो मोर आके ठीक है अरे खाना खा बाबा राखे बाय हुन्छ बाय बाय हम कॉल कर रहे हैं ना हाँ इसका मम्मी का नाम हम सेव किया रोज बिग ये लो रुको मम्मी को इसलिए कॉल किया क्योंकि मम्मी टेंशन ले रहा था पापा बोला कल कॉल करके कि मम्मी पूरा रात सोया नहीं सुबह 7 या फिर 6 बजे सोने गया हम लोग बस दो ही लोग हैं अकेले और हमारे साथ कोई भी नहीं है जो दो लोग आने वाले थे उन लोग भी प्लान कैंसिल कर दिया हम लोग बस अकेले हैं सो मम्मी को टेंशन हो रहा था मेरा प्लस रोज का मम्मी को भी तो हम लोगों ने कॉल करके बता दिया दैट वी आर सेफली एट कर्शेंग एंड फ्रॉम हियर वी आर मूविंग टुवर्ड्स दार्जिलिंग सो नो वरीज एवरीथिंग इज ऑल गुड एंड फाइन एक्सेप्ट वेदर चेंज हो रहा है ऊपर देख सकते हो वेदर ऑलरेडी चेंज हो गया वहाँ पे फॉगी हो गया और हम लोग को ऊपर ही जाना है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से यहाँ से निकलते हैं तो ये लोकल बाजार है कर्शेंग का अभी नहीं नहीं रेंटेड हो ना पर्सनल प्राइवेट हो माथी चीसो जाके दे रहे अभी उधर कोलकाता बोला आई को उधर चीसो थे ना दे रहे लुगा पनी लाए ना चलो थैंक यू वो सब ने रोक लिया था चेकिंग के लिए बट उनको लगा कि ये रेंटेड है बट रेंटेड नहीं है भाई ऊपर चढ़ते चढ़ते वेदर देखो और क्रेजी हो गया भाई अगर कर्शेंग में ये हालत है तो ऊपर दार्जिलिंग में क्या हालत होगा और 24 किलोमीटर वन मोर आवर वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है यहाँ पे तो और ब्लॉग में नहीं कर सकता बाकी की बातें मैं ऊपर कहीं रुक के शेयर करूंगा ठीक है अभी के लिए अभी थोड़ा रोड में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा तो चलो बाय बाय थोड़ी देर बाद मिलते हैं बंद कर दो तो ये कैमरा बंद कर दो आगे रास्ता अभी यहाँ पे हम लोगों को एक कैफे मिला है खाने के लिए तो हम लोग रुक गए और स्कूटर यहाँ पे पार्क कर दिया है ठीक है यहाँ पे सेफ है क्योंकि दिस इज आउटसाइड द वाइट लाइन सो चलो फटाफट से चल के कुछ खा लेते क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा है भाई सो गाइज अभी गर्मा गर्म मोमो आ चुका है और देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है मोमो और टेस्ट कैसा है होटल पहुँचना है जल्दी से जल्दी और फिर चेकिंग करना है तब जाके शाम को तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फटाफट से खाते हैं और मिलते हैं ओके गाइस अभी हम लोग खा के निकल चुके हैं मिलन कैफे से और यहाँ पे देखो भाई वेदर और भी ज्यादा बुरा हो रहा है ऑलरेडी 4 बज चुके हैं वी आर ऑलमोस्ट 1 आवर लेट और यहाँ से अभी भी दिखा रहा है 54 मिनट क्योंकि और इस
सीवियर कंडीशन में, ना ब्लॉक करने की हालत में हूँ, आप लोग को ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। कोलकाता में गर्मी में सड़ रहे होगे आप लोग, और हम लोग यहाँ पे ठंड में मजे ले रहे हैं, बट हमारी फट भी रही है, बट कोई चिंता की बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। जो मोमो खाया ना भाई, अंदर से गर्मी हो गया है, लिटरली रगों में अभी मोमो दौड़ रहा है। बाप रे बाप, जीरो विजिबिलिटी। ओ शिट भाई, कुछ नहीं दिखा लिटरली दो सेकंड के लिए। इधर से 2 फुट आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है। देख लो भाई क्या सीवियर वेदर कंडीशन है यहाँ पे। ओ तेरी माँ का, लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, कुछ नहीं दिख रहा। ओ रे बाप भाई, अबे हम धीरे धीरे ही जा रहे हैं, हॉर्न मार के क्या करे, उसको हेडलाइट दिखता है बेटा। तुम ज्यादा चिल्ला चिल्ले मत करो, तुम चुपचाप से बैठ के रहो। मेरे वजह से डर लग रहा है, 20 से 30 का स्पीड में चला रहे, और इससे ज्यादा क्या डरने का बात है। वहां से गाड़ी आ रही दिख रहा है, हेडलाइट तो दिखेगा ही। वही देख, इन लोग भी नहीं दिखा था, अचानक से आया सामने। सुन लिया बाप रे बाप, अब ज्यादा मत बोलो। लिटरली माई हैंड्स आर स्टोन कोल्ड, लाइक पूरा नंब हो चुका है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है मेरे हाथों में, और मेरी आंखों से बस पानी बह रहा है। हमको डर लग रहा है हम कोई रुका हुआ गाड़ी में जाके ना ठोक दे। अब 20 साला, दिखा के उसको बोलो तो आगे जाने के लिए, आगे जाइए जाइए, इसका पीछे पीछे चलते हैं। अबे रुक जा छोरे बच्चा, एक ही सहारा मिला था, वो भी भागे जा रहा है। थोड़ा सा ओवर स्पीड कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम हो रहा है। ओनली आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। लिटरली मेरा पैर का जो नेल्स है ना, वो दुख रहा है इतना ठंड की वजह से। ज्यादा दूर नहीं है, 6 किलोमीटर पहुंच गए, ऑलमोस्ट देयर। ऑलराइट सो गाइस, फाइनली हम लोग चेक इन कर चुके हैं एक होम स्टे में, जिसका नाम है क्वींस इन होम स्टे। ओके, और हम लोगों ने होम स्टे इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये जो ट्रिप है ये बजट फ्रेंडली ट्रिप होने वाला है। मीन्स हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करने का, और कम से कम बजट में अच्छे से अच्छे जगह घूमने का, इसीलिए हम लोगों ने होम स्टे सेलेक्ट किया। और ऐसा भी नहीं कि होम स्टे बुरा होता है, कुछ कुछ होम स्टे है जो कि बहुत अच्छा होता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती है। तो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोगों ने चेक इन कर लिया, तो छोटा सा एक रूम टूर दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने को, बट फिर भी दिल की तसल्ली के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द वॉशरूम, यहाँ पे एक मिरर, बेसिन, बस इतना ही सा है वॉशरूम। और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, यहाँ पे बेड है फॉर टू, ठीक है। यहाँ से बालकनी का एक्सेस है, बट अभी बाहर नहीं जा सकता भाई, बहुत मुश्किल से ये एक हीटर जुगाड़ किया है, थैंक्स टू मिकमा हु इज द पर्सन हु आई कॉन्टैक्टेड टू, एंड आई बिलीव ही इज़ द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इटसेल्फ। तो उसने अपना पर्सनल हीटर ला के दिया है। और यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो, विंडो के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, देख सकते हो यहाँ से पूरा माउंटेन व्यू दिख रहा था जब हम लोगों ने चेक इन किया था, बट अभी रात हो गया तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस जो है लाइट्स वगैरह दिख रहे हैं। जो ये प्लान बनाया है बहुत बजट को ध्यान में रख के बनाया मैंने। स्टिल अगर आपको डिटेल्स चाहिए कितना खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना। हर ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्सपेंसेस और लोकेशंस मेंशन कर दूंगा कहाँ कहाँ गया हूँ। अगर आप लोग को आना हो तो आप लोग आ सकते हो फॉलो करके। ओके, सो चलो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, जरूर से करके जाना भाई। प्लस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, क्योंकि कल है day 3 और हम लोग घूमने जाने वाले हैं, ठीक है। सो कल बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट फॉर नाउ।
यस एंड ऑफ कोर्स सी यू गाइस टुमॉरो।